हम तो आईपीएल कवर कर रहे हैं तो थोड़ा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और तुरंत चलते हैं पहले मैच की तरफ। सीएसके बनाम गुजरात टाइटन, सीएसके 178 के स्कोर को डिफेंड करने में थी असफल। तो ऑडियंस के कमेंट्स के साथ मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, मुझे लगता है राजा पस्का था, लेकिन एक कमेंट आया कि राजा पक्सा होता है, राजा पक्सा ने 50 मार दिए। ठीक है भाई, दिल्ली कैपिटल्स ने 162 किया और गुजरात टाइटन ने आंखें बंद करके 1-8 से खत्म। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद यावे यासीन, वेलकम बैक टू क्रिकेट सीन्स। और बात करते हैं आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल चल रहा है और चली जा रहा है। आईपीएल के कुछ 16 मैचेस हो चुके हैं, आज 17वां मैच है सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। तो आईपीएल की बात करते हैं और आज थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के चौके और ये रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर पॉइंट्स टेबल की तरफ चलेंगे और एंड बताऊंगा कि 16 मैचेस में पहले 10 मैचेस में क्या हुआ, उनके क्या एनालिटिक्स थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा रन स्कोरर और ऑरेंज कैप का अकदार जो अभी तक चल रहा है वो है शिखर धवन, 255 रन उसने मार दिए हैं और 3 मैचेस खेले हैं। डेविड वार्नर 4 मैचेस खेल चुके हैं और 209 रन हैं, और ऋतुराज गायकवाड 3 मैचेस खेल चुके हैं और 189 रन हैं। ये टॉप 3 रन स्कोरर हैं। अब टॉप 3 विकेट टेकर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मार्क वुड, और अभी तक के पर्पल कैप के हकदार 9 विकेट ले चुके हैं 3 मैचेस में, और उससे बिल्कुल नीचे सिर्फ 1 विकेट कम युजेंद्र चहल, यूजी चहल 8 विकेट्स 3 मैचेस में, और उसके बाद राशिद खान की भी 3 मैचेस में 8 विकेट्स। तो ये टॉप 3 विकेट टेकर्स थे अभी तक के जो फाइट कर रहे हैं पर्पल कैप के। अब अगर मोस्ट सिक्सेस की बात कर ले तो सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और निकोलस पूरन ने, 14 छक्के मार चुके हैं अभी तक, जो 3 या 4 मैचेस ही खेल चुके हैं उसमें 14 छक्के लगाए हैं। उसके साथ उसके बिल्कुल नीचे हैं फाफ डु प्लेसी जो कि 13 छक्के मार चुके हैं 3 मैचेस में। अगर सबसे ज्यादा चौकों की बात करें तो डेविड वार्नर और शिखर धवन 27 चौकों के साथ टॉप पे हैं, और उसके बाद है यशस्वी जायसवाल जो कि 21 चौकों के साथ तीसरे नंबर पर। हाई स्कोर की अभी तक की बात कर लें तो वहां पे भी शिखर धवन ऊपर है भाई, 99 नॉट आउट, और उसके नीचे है ऋतुराज गायकवाड़ 92, और तीसरे नंबर पे है शिखर धवन 86। पंजाब किंग्स से शिखर धवन कुछ खास ही लेवल फॉर्म में चल रहे थे, ऑलमोस्ट 30-40% रिकॉर्ड्स तो उसी के हैं। बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात कर लेंगे, जो सबसे ज्यादा धो रहा है तो टॉप पे है निकोलस पूरन, और उसकी स्ट्राइक रेट है 326 की स्ट्राइक रेट, एक बॉल पे 3 रन मार रहा है अभी तक जितनी बॉलें उसने खेली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे विजय शंकर 252 की स्ट्राइक रेट, और तीसरे नंबर पे है जॉस बटलर 245 की स्ट्राइक रेट के साथ। अगर मोस्ट 50s की बात कर लें तो डेविड वार्नर ने 4 मैचेस में 3 में 50 मारी है, लेवल है भाई लड़के का। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सेम पेस पे जाके 3 मैचेस में 2 में 50 मारी है। नीचे फिर शिखर धवन 3 मैचेस में 2 में 50। तो बैट्समैन की बात कर लें तो शिखर धवन, डेविड वार्नर, निकोलस पूरन, जॉस बटलर और ऋतुराज गायकवाड़, ये 5-6 बैट्समैन हैं जो आईपीएल के अभी तक के टॉप पे जा रहे हैं। अब बॉलर्स की तरफ आ जाए तो सबसे ज्यादा विकेट टेकर तो मैंने आपको बता दिया, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स किसने किए हैं। वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं, अपने 3 मैचेस में 2 मेडन ओवर किए हैं। उसके नीचे है मार्को जेनसन और डेविड विली 1-1 मेडन ओवर के साथ। अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात कर लें तो वहां पर भी मार्क वुड टॉप पे हैं, जो उन्होंने अपने पहले मैच में 5 विकेट ली थी 14 रन लेके। उसके बाद मयंक मार्कंडे 15 रन लेके 4 विकेट लिए हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं वरुण चक्रवर्ती, और वो भी सेम फिगर्स के साथ हैं 15 रन लेके 4 विकेट्स। अब जरा पॉइंट टेबल पे नजर मार लें तो पॉइंट टेबल के टॉप पे है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो 4 मैचेस में से अभी तक सिर्फ 1 आ रही है और 3 मैचेस जीती है 6 पॉइंट्स के साथ, टेबल के टॉप पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान रॉयल जो कि 3 मैचेस में 1 आ रही है और 2 जीती है और दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है कोलकाता नाइट राइडर जो कि 3 मैचेस में 2 जीती है और 1 आ रही है तीसरे नंबर पे, और सेम फिगर सेम पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटन है चौथे नंबर पे, 3 मैचेस में 2 जीती है 1 आ रही है। इकोनॉमी का फर्क है, KKR की ज्यादा है, गुजरात टाइटन्स की कम है। ये अभी तक की टॉप 4 टीमें और अभी तक ये क्वालिफाई कर रही है। उसके नीचे अगर देख लें तो इमीडिएटली नीचे आती है सीएसके, जो कि सेम 3 मैच के लिए 2 मैच जीती है 1 आ रही है, इकोनॉमी कम है इसलिए नीचे है। पंजाब किंग्स के भी सेम फिगर्स हैं, 3 मैच के लिए 2 जीती है 1 आ रही है। तो अगर टेक्निकली बात कर लें तो लखनऊ सुपर जॉइंट टॉप पे है, 4 में से 3 जीती है, और नीचे राजस्थान रॉयल, KKR, गुजरात टाइटन, सीएसके, पंजाब किंग्स सारे दूसरे नंबर पे हैं, जो कि 3 मैच खेली हैं और 2 जीती हैं। इकोनॉमी का फर्क है, वो इतने बड़े टूर्नामेंट में मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी न किसी मैच में पूरा कर देना होता है टीम्स ने। अब शुरू में मैच जिस टीम के साथ हुआ था वो आ रही है 7वें नंबर पर, जो कि 3 मैचेस खेली है और 2 हारी है 1 जीती है, लेकिन
आएगी आएगी, ऊपर आएगी और क्वालिफाई भी करेगी। मुंबई इंडियंस है 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद और 10वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स। ये तो अभी तक के पीएसएल के रिकॉर्ड, स्टैट्स और पॉइंट टेबल। अब जरा मैचेस की बात कर लें कि पीएसएल के मैचेस में दरअसल हुआ क्या। तो पहला मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन में, और मैच की तरफ था चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। मुझे लगा था गुजरात टाइटन नहीं जीतेगी, लेकिन गुजरात टाइटन तो डिफेंडिंग चैंपियन है। इन एक मिनट, हम तो आईपीएल कवर कर रहे हैं तो थोड़ा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और तुरंत चलते हैं पहले मैच की तरफ। CSK बनाम गुजरात टाइटन। CSK ने 178 रन मारे। CSK 178 के स्कोर को डिफेंड करने में थी असफल। मैच शुरू देख ले तो पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर, और पंजाब किंग्स ने 191 मारा और उसको डिफेंड कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर से वो नहीं हुआ। आंद्रे रसल ने काफी अच्छी कोशिश की 35 रन बना के, लेकिन चेज नहीं हो सका। मैन ऑफ द मैच मिला अर्शदीप सिंह को 3 विकेट 19 रन देके, लेकिन उसके साथ बानुका राजा पक्सा ने 50 मारे। तो ऑडियंस के कमेंट्स के साथ मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। मुझे लगता है राजा पक्सा था, लेकिन एक कमेंट आया कि राजा पक्सा होता है, मुझे राजा पक्सा ने 50 मार दिए। ठीक है भाई, मैच ये था लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में, और लखनऊ सुपर जायंट्स इतनी बड़ी टीम है कि दिल्ली कैपिटल्स से थोड़ी हारेगी। 193 स्कोर बनाया और रक्षा करने में पूरी तरह से सफल, और मुझे भी जितनी हिंदी आती है मैं भी उतनी हिंदी बोलने में अभी तक काफी सफल। उम्दा प्रदर्शन मार्क वुड द्वारा 14 रन देके 5 विकेट हासिल कर ले, और वही थे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। मैच 4 था राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और इस मैच में पिछले 3 मैचेस सबसे ज्यादा स्कोर हुआ। 203 मारा राजस्थान रॉयल ने और डिफेंड कर ली। जॉस बटलर ने 50 मारी 22 गेंदों पे, जो शमसन ने 50 मारी 32 गेंदों पे, और जायसवाल ने 50 मारी 37 गेंदों पे। 50-50 थी मैच में। और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट ने और यूजी चहल ने क्रिया क्रम कर दिया। 4 विकेट और 2 विकेट के साथ ये मैच जीतवा दिया। मैच 5 की तरफ चलते हैं तो मैच 5 था आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। पहला मैच जो आरसीबी ने जीता, मुंबई इंडियंस ने 171 स्कोर किया और आरसीबी ने ऐसे चेज कर लिया, बल्कि आरसीबी ने चेज नहीं किया, आरसीबी के पहले 2 बैट्समैन ने चेज कर लिया। विराट कोहली 5 for 76 स्कोर, दोनों ने चेज करना था, चेज के मास्टर खत्म। मैच नंबर 6 2 बड़ी टीमों का था, चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स। सिर्फ नाम में सुपर होने से बड़ी नहीं है, दोनों बाकी बड़ी टीमें हैं, और दोनों बड़ी टीमों ने बड़ा स्कोर भी किया और हाई वोल्टेज मैच भी हुआ। सीएसके ने 217 स्कोर किया पहले बैटिंग करते हुए, और लखनऊ सुपर जायंट्स को करना था 218 स्कोर, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स 205 स्कोर करके खत्म। प्लेयर ऑफ द मैच में मोइन अली 19 रन किए, 4 विकेट ली और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बेस पे प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। 7वां मैच था गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल्स का, और गुजरात टाइटन जीत गए। दिल्ली कैपिटल्स ने 162 किया और गुजरात टाइटन ने आंखें बंद करके 1-8 से खत्म। प्लेयर ऑफ द मैच मिला सुदर्शन को 62 करने पे 48 बॉल्स पे। उसके साथ राशिद ने 3 विकेट ली और मोहम्मद शामी ने 3 विकेट ली। ये इसकी हाईलाइटेड इनिंग्स थी। अब मैच 8 की बात कर ले तो मैच 8 में पंजाब किंग्स ने 197 स्कोर किया और 192 पे अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और पंजाब किंग्स 8वां मैच जीत गई। मैच 9 था आरसीबी वर्सेस केकेआर में, और पूरी उम्मीद थी कि आरसीबी जीतेगी, लेकिन आरसीबी हार गई, केकेआर जीत गई। बड़ा दुख हुआ। आरसीबी ने कुछ स्कोर किया बिल्कुल ही लो सा, केकेआर ने स्कोर किया 204 और चेज मास्टर्स चेज में ढेर 123 पे टीम ऑल आउट। 10वें मैच की बात कर ले तो 10वां मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जॉइंट्स में, और ये मैच काफी लो स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग मैच था। 121 स्कोर का टारगेट दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने, और लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 16वें ओवर में 127 स्कोर बना के कहा कि तू मेरा पुत्र छुटेगा। इससे पहले 10 मैचेस के हालातों, वाकयात, एनालिटिक्स, स्टैट्स और अभी तक के पॉइंट्स टेबल। आज के लिए इतने था। आईपीएल के अगले 10 मैचेस को कवर करेंगे जब अगले 20 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। तब तक के लिए राम राम।